क्रिकेट जगत से जुड़ी सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए क्रिकेट की खबरें सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच खेला गया प्लेऑफ का पहला एलिमिनेटर मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने 400 लाइक रखा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। IPL 2020 के प्लेऑफ के पहले एलिमिनेटर मुकाबले में डेविड वार्नर की सनराइजर्स हैदराबाद और विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम एक दूसरे से भिड़ी। इस मुकाबले में डेविड वार्नर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। उसके बाद बेंगलोर की तरफ से ओपनिंग करने आए कप्तान विराट कोहली और देवदत्त पाडिकल अपनी टीम को अच्छी शुरुआत नहीं दे पाए। इस आईपीएल में पहली बार ओपनिंग करने आए कप्तान विराट कोहली को जेसन होल्डर ने विकेट कीपर गोस्वामी के हाथों कैच आउट कराया। विराट कोहली ने इस अहम मुकाबले में 7 गेंदों में सिर्फ 6 रन बनाए। वहीं उनके पार्टनर देवदत्त पाडिकल को भी होल्डर ने ही चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर प्रियम गर्ग के हाथों कैच आउट करा दिया। देवदत्त पाडिकल ने 6 गेंदों में केवल 1 रन बनाए। लेकिन यहां से बल्लेबाजी करने आए आरसीबी के दो बड़े अनुभवी खिलाड़ी आरोन फिंच और एविड विलियर्स ने बेंगलोर की डगमगाई पारी को संभाला। इन दोनों ने यहां से संभली हुई बल्लेबाजी करते हुए बेंगलोर की पारी को आगे बढ़ाया। इन दोनों ने 10वें ओवर तक बेंगलोर का एक भी विकेट गिरने नहीं दिया। लेकिन पारी का 11वां ओवर डालने आए शाहबाज नदीम ने सेट हो चुके आरोन फिंच को अब्दुल समद के हाथों कैच आउट कराकर बेंगलोर की टीम को एक बड़ा झटका दिया। आरोन फिंच ने इस मुकाबले में 30 गेंदों में 32 रनों की पारी खेली। वहीं इसी ओवर में चौथी गेंद पर फ्री हिट पर रन लेने के चक्कर में नए बल्लेबाज मोइन अली को भी राशिद खान ने रन आउट कर दिया और बेंगलोर की पारी को फिर से दबाव में डाल दिया। एक छोर से एविड विलियर्स बेंगलोर की पारी को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे थे लेकिन दूसरे छोर से विकेट गिरने का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। मोइन अली के रन आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने आए शिवम दुबे भी पारी के 16वें ओवर में जेसन होल्डर के शिकार बन गए। शिवम दुबे ने 13 गेंदों में महज 8 रन बनाए। एक छोर से विकेट गिरने का सिलसिला ना रुकते हुए देखकर एबी डिविलियर्स ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिया और तेजी से रन बनाना शुरू कर दिया। लेकिन पारी का 18वां ओवर डालने आए टी नटराजन ने ओवर की पहले ही गेंद पर डिविलियर्स के साथ ही बल्लेबाज वॉशिंगटन सुंदर को आउट कर दिया। वहीं नटराजन ने इसी ओवर की 5वीं गेंद पर बेंगलोर का सबसे बड़ा विकेट अपने नाम किया। नटराजन ने एक लाजवाब यॉर्कर मारकर सेट हो चुके एबी डिविलियर्स को क्लीन बोल्ड कर दिया और मैच का रुख ही बदल दिया। डिविलियर्स ने इस मुकाबले में 43 गेंदों में 56 रनों की बेहतरीन अर्धशतकीय पारी खेली। एबी डिविलियर्स की इस बेहतरीन पारी की बदौलत बेंगलोर की टीम 131 रनों का सम्मानजनक स्कोर हैदराबाद की टीम के आगे रख पाई। वरना तो 100 का आंकड़ा पार करना भी इस एलिमिनेटर मुकाबले में बेंगलोर की टीम के लिए मुश्किल सा लग रहा था। उसके बाद बेंगलोर से मिले 132 रनों के छोटे लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद की शुरुआत भी कुछ खास नहीं रही। डेविड वार्नर के साथ ओपनिंग करने आए श्रीवत्स गोस्वामी अपनी टीम को अच्छी शुरुआत नहीं दे पाए। श्रीवत्स गोस्वामी को मोहम्मद सिराज ने बिना खाता खोले ही एबी डिविलियर्स के हाथों कैच आउट करा दिया। लेकिन यहां से कप्तान डेविड वार्नर और एक नए बल्लेबाज मनीष पांडे ने सनराइजर्स की पारी को संभालना चाहा और इन दोनों ने तेजी से रन बनाना शुरू कर दिया। लेकिन पावर प्ले का 6ठा ओवर डालने आए मोहम्मद सिराज ने डेविड वार्नर को एबी डिविलियर्स के हाथों कैच आउट कराकर इस मुकाबले को एक रोमांचक मोड़ दे दिया। बेहतरीन फॉर्म में चल रहे डेविड वार्नर ने 17 गेंदों में 17 रन बनाए। कप्तान डेविड वार्नर के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए केन विलियमसन जिन्होंने सेट हो चुके मनीष पांडे के साथ मिलकर हैदराबाद की पारी को संभालना चाहा। अब यहां से इस करो या मरो मुकाबले में हैदराबाद की टीम को जीत दिलाने का पूरा जिम्मा इन दो खिलाड़ियों के कंधों पर था। लेकिन पारी का 9 ओवर डालने एडम जंपा ने सेट हो चुके मनीष पांडे को विकेट कीपर एविड विलियर्स के हाथों कैच आउट करा के सनराइजर्स टीम को बहुत बड़ा झटका दिया। मनीष पांडे ने 21 गेंदों में 24 रनों की पारी खेली। अब यहां से हैदराबाद की टीम को सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई होने के लिए अंतिम 10 ओवर में 60 रनों की आवश्यकता थी। लेकिन सामने खड़ी बेंगलोर की टीम की गेंदबाजी हैदराबाद की बल्लेबाजी पर कुछ ज्यादा ही हावी होती दिखाई दे रही थी।
दोस्तों हम आपको बता दें कि इस एलिमिनेटर मुकाबले में जो भी टीम जीतेगी वह दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगी। लेकिन इस मुकाबले में बेंगलोर की स्पिन गेंदबाजी ने अंत में लाजवाब गेंदबाजी करते हुए इस रोमांचक मुकाबले को और भी ज्यादा रोमांचक बना दिया। तो दोस्तों आपको सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच खेला गया आईपीएल प्लेऑफ्स का पहला एलिमिनेटर मुकाबला कैसा लगा, आप अपनी राय नीचे।